दोस्तों स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज दिखाएंगे आपको 3x3 की विंडो, 3 चौड़ाई होगी और 3 इसकी हाइट होगी। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारी डोमाल विंडो है जो कम्प्लीट हमने इसका कम्प्लीट इसको बनाया है, प्रोसेस इसका जो भी है इंटरलॉक पत्ती वगैरह सब हमने इसमें लगाया है और इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो और दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं इसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से बनाई जाती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम ट्रैक को 45 डिग्री में काट लेते हैं और सबसे पहले मशीन को हम 45 डिग्री में सेट कर लेते हैं। और दोस्तों कटिंग करने के बाद इसमें फाइल लगाना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसकी जो कलम होती है, इसकी जो डिग्री होती है तभी फिनिशिंग से मिल पाती है अगर आप इसको फाइल करते हैं। तो दोस्तों फाइल लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले 3 इंच का एंगल काटना होता है। एंगल से भी आप इसको काट सकते हैं और इसके लिए कनेक्टर भी आते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही आपके लिए बेस्ट चॉइस हैं। तो एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कनेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों एंगल लगाने के लिए सबसे पहले हम 3 इंच की कटिंग करते हैं और एंगल में निशान लगा लेते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारे होल होने होते हैं वहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं और निशान लगाने के बाद ये देख सकते हैं उसमें होल करने के बाद हम इसको कस लेते हैं ताकि इसको जब हम जोड़ें तो जोड़ने के बाद कोई प्रॉब्लम इसमें ना आए, इसीलिए हम एक तरफ एंगल पहले ही लगा लेते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं अब किस तरीके से इसको कसा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम नीचे एक जो लकड़ी पीस नीचे रख लेते हैं ताकि किसी भी तरीके की जब कसें तो उसमें किसी भी तरीके की स्क्रेचेस ना आए, किसी भी तरीके की कोटिंग पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके की सेफ्टी को हमेशा बरतना चाहिए ताकि हमारी फिनिशिंग हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको किस तरीके से जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए सबसे पहले हमने एंगल लगाई थी, एंगल लगाने के बाद फिर हमने दूसरे जो आउटर थे उनको जोड़ा। तो इस तरीके से ही इसके आउटर को बहुत आसानी से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने आउटर को जोड़ लिया है और मैं अभी देखिए इसका आउटर कंप्लीट हो चुका है। तो पूरा आउटर हमने इसका जोड़ दिया, ये देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इधर से दिखा देना चाहता हूँ आपको। तो हमारा आउटर कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हैं दोस्तों इसके दिखाएंगे पल्ले किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों कटिंग तो आप जानते ही हैं 45 डिग्री में किस तरीके से कटिंग की जाती है। दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर वूल पाइल डालना ज़रूरी होता है। वूल पाइल से क्या होता है कि हमारे जो पल्ले होते हैं उनके अंदर डस्ट नहीं आता, साउंड बहुत कम आता है और किसी भी तरीके के कोई इंसेक्ट्स आने के चांसेस नहीं होते। तो वूल पाइल डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। थोड़ा सा खर्चा बढ़ता है मगर बेस्ट चॉइस हो जाती है। तो वूल पाइल डोमाल विंडो में लगाना ज़रूरी है। बॉम्बे स्लाइडिंग में लगाना इतना ज़रूरी नहीं है इतना जितना कि डोमाल विंडो में लगाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इनमें होल कर लेते हैं ताकि हम इनमें एंगल का निशान लगा सकें। तो इनमें होल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब दोस्तों देख सकते हैं होल करने के बाद इन पर निशान लगा लेते हैं ताकि हम इसकी जो मार्किंग कर सकें और इनमें होल कर सकें। दोस्तों आप इन पर नंबरिंग भी डाल सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे भी आप इन पर डाल सकते हैं। और अगर इस तरीके से नहीं डाल सकते तो आप सेक्शन को एक एक करके उसके साथ रख सकते हैं ताकि किसी भी तरीके की मैचिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके होल करने का तरीका देख सकते हैं, हम इसमें 1/8 का बिट इस्तेमाल कर लेते हैं। 1/8 का हमेशा याद रखें 1/8 का बिट इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों देख सकते हैं एंगल को लगा रहे हैं, एंगल किस तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे कि हमने आउटर को जोड़ने के लिए लगाया था वैसे ही हम इसके पल्ले को जोड़ने के लिए एंगल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं एंगल हमने लगा दिया है। और एंगल के अगर साइज़ की बात करूं तो 1/2 इंची या 6 सूत का एंगल आप काट सकते हैं, 4 सूत या 6 सूत का एंगल भी आप काट सकते हैं इसमें लगाने के लिए, जोड़ने के लिए। क्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हम इसकी जो विड्थ है, विड्थ में जो नीचे की तरफ का हिस्सा है उसमें हम व्हील डाल लेते हैं। इसको डोमाल व्हील्स बोला जाता है। ये आपका 22 mm का व्हील होता है, 22 mm का ये व्हील होता है जो कि चौड़ाई इस व्हील की होती है। और क्या होता है कि दोस्तों हम इन व्हील का ही डोमाल में ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी व्हील का हम डोमाल सेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि इसके साथ और भी व्हील्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर प्रॉपर अगर हम डोमाल विंडो बना रहे हैं तो इसी तरीके का इस व्हील हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं।
कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, मगर बेस्ट व्हील्स होते हैं। इसी तरीके के व्हील्स अगर इस्तेमाल करें, डबल बैरिंग व्हील्स इस्तेमाल कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी ज़्यादा वेट्स ये व्हील झेल जाते हैं, तो किसी भी तरीके की जल्दी से इनमें व्हील में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों देख सकते हैं पल्ले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें जो स्टार लॉक्स लगाते हैं तो उनके लिए हम निशान लगा लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर निशान हमने लगा लिए हैं और इसके स्टार लॉक मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों ये पैगो कंपनी के लॉक्स हैं जो कि ब्रांडेड है, और ये देख सकते हैं जिसको हम लॉक में अटकाते हैं उसके, अभी मैं लगाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं साइज में भी मैंने कई बार बताया है आपको, तो 3 mm इसके लिए हम लेस कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं मैं इसकी पत्ती भी दिखा देता हूँ। दोस्तों स्टार लॉक में लगने वाली पत्ती यही होती है जो कि हमारे पल्ले को रोकती है। तो दोस्तों अब निशान लगा लेते हैं गुनिया बनाने के लिए और इसकी कटिंग कर लेते हैं। किस तरीके से कटिंग की जाती है, आप ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कटिंग व्हील्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस व्हील का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कोटिंग पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती, आपकी कोटिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोटिंग जलने के चांसेस बने हुए होते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी इस व्हील से कोटिंग नहीं जलती, और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने लॉक लगा दिए हैं कटिंग करने के बाद। ये देख सकते हैं लॉक हमारे लग चुके हैं। अब एलंकी से हम इसके जो अभी मैंने पत्ती दिखाई थी, ये देख सकते हैं सामने आपको पत्ती नज़र आ रही होगी, तो इसको एलंकी से ही कसा जाता है। अब ये देख सकते हैं हमारे स्टार लॉक लग चुके हैं किसी भी तरीके कोई। अब इसकी हम देख सकते हैं दोस्तों जो कि मैंने अभी पत्ती आपको दिखाई थी 3 mm, जिसके लिए मैंने साइज में भी बताया है कई बार कि 3 mm लेस कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके लिए हम होल कर लेते हैं। होल करने के बाद क्या होता है कि इसकी पत्ती को हम अंदर की तरफ डाल देते हैं और बाहर से इसको लगा देते हैं। आप वीडियो में बिल्कुल बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा प्रोसेस आप इसका सीख जाएंगे किस तरीके से डोमाल विंडो बनाई जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कटिंग कर दी है, और ये देख सकते हैं हमने पत्ती भी इसके अंदर लगा दी है जिसमें हमारे स्टार लॉक्स फंसेंगे और उसका जो पत्ती होती है वो फंस जाती है, हमारे पल्ले लॉक हो जाते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ ये बेसिकली क्या होता है कि लॉक होता है, यानी कि लॉक की जो कुंजी होती है, लॉक की जो जिसमें हमारे लॉक्स फंसते हैं, तो वही ये चीज़ होती है। दोस्तों देख सकते हैं गिलास को किस तरीके से डाला जाता है। गिलास के साइज भी मैं पहले भी बता चुका हूँ किस तरीके से डोमाल विंडो बनाते समय आप गिलास साइज लेते हैं और किस तरीके से गिलास को फिक्स किया जाता है। तो दोस्तों इसमें मैं बता देना चाहता हूँ डोमाल जो सेक्शंस होते हैं, जो इनमें रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है, वो पुश रबड़ होती है। हमेशा इसमें पुश रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा पार्टीशन बनते हैं, पार्टीशन में 5 mm की रबड़, यू रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सेक्शंस होते हैं इनमें पुश रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। बॉम्बे स्लाइडिंग में भी आजकल पुश रबड़ का ही इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में पहले से ही पुश रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा शीशा कटने के बाद किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और फिक्स आराम से हो जाता है। दोस्तों देख सकते हैं इंटरलॉक पत्ती की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, किस तरीके से इंटरलॉक पत्ती लगाई जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं इंटरलॉक पत्ती किस तरीके से लगाई जाती है। दोस्तों खांचा पूरा, यानी कि पल्ले के साइज की ही इंटरलॉक पत्ती काटनी पड़ती है और नीचे से खांचे काट दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो थोड़े से ट्रैक के अंदर हमारा चला जाए और पल्ले के फेस में ये आ जाए, तो इसलिए हम इंटरलॉक पत्ती को नीचे से थोड़ा सा काट लेते हैं कटर की मदद से, और हमारा इंटरलॉक पत्ती जो बिल्कुल साइज में पल्ले से मैच हो जाती है। तो इस तरीके से ही इंटरलॉक पत्ती को लगाया जाता है। और दोस्तों मैं इसकी कॉस्ट की अगर बात करूं तो डोमाल विंडो क्या होता है कि डोमाल 500-550 रुपये स्क्वायर फीट विंडो बनाई जाती है। अगर सपोज कीजिए आपका 3x3 की विंडो है तो लगभग 600-700 रुपये आपके स्क्वायर फीट यहाँ पर पड़ता है, क्योंकि छोटी विंडो में क्या होता है कि कॉस्ट ज़्यादा आती है, मटेरियल उतना ही लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसके साइज़ की वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर विंडो यहीं पर बड़ी होती है, 6x8 की हो, 10x8 की हो, तो इसमें कॉस्ट 500 रुपये स्क्वायर फीट हो जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी इंटरलॉक पत्ती लग चुकी है और ये हमारे पल्ले कम्प्लीट हो चुके हैं। दोस्तों ये 3x3 फिट की विंडो थी, 3 फिट थी और 3 फिट इसकी हाइट थी। तो दोस्तों ये थी हमारी डोमाल विंडो जो कि 2765 सीरीज में हमने 3-track विंडो बनाई है। ये देख सकते हैं आपने इसमें हमने इसमें इंटरलॉक पत्ती का भी इस्तेमाल किया है, तीनों पल्ले में इंटरलॉक पत्ती का इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये देख सकते हैं। दोस्तों नीचे से इसको थोड़ा सा कटिंग करना पड़ता है ताकि हमारे पल्ले के बिल्कुल ये लेवल हो सके। इसी तरीके से तीनों पल्ले में हम इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं थोड़ा सा दूर से आपको इस विंडो को दिखा देता हूँ, इधर से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी डोमाल विंडो जिसको हमने 3-track में बनाया है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।